गुड मॉर्निंग सुना है कोलकाता में बहुत ठंड पड़ी है। यहाँ पे 2-4 दिन ठंड थी, फिर अभी गर्म, मतलब गर्म नहीं है पर ठीक ठाक है। मतलब ये बहुत सूथिंग है वेदर, काफ़ी अच्छा लगता है धूप में बाहर निकलने में। हल्का सा एक हल्का हल्का ठंड ठंड लगती है, पर मम्मी को तो इसमें भी ठंड लग रही है। पता नहीं अगर कोलकाता में होती तो मम्मी को क्या होता। क्या कर रहे हो आप लोग इतने ठंड में? बहुत जैकेट, टोपी, माफलर सब कुछ ओढ़ के खाना बनाते हो क्या? कितना प्रॉब्लम होता है ना इतने बड़े बड़े जैकेट वैकेट वो सब, मतलब वो उसमें तो हम लोग इतना अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। मुझे याद है जब कोलकाता में थी मैं घर का कोई काम करती थी, टोपी, माफलर, स्वेटर ये सब कुछ पहन के तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता था यार। आई कैन अंडरस्टैंड आप लोग बहुत फेस कर रहे हो, पर थोड़ा वेट करो, सूदिंग हो जाएगा वेदर। इधर पे तो बहुत अच्छा है। माँ ठंडा का मन मारा तो कोलकाता और बेसि খুব ঠান্ডা লাগছে। রোদে রোদে খুব ভালো লাগছে। তো মাম্মি থোড়া সা নহানে কে বাদ ধূপ মে আ জাতি হ্যায়, কিউকি হামারা জো ই ব্যালকনি হ্যায় না ইধার পে বহুত জ্যাদা ধূপ আতা হ্যায়। মাম্মি সুবহে উঠ কে দরওয়াজা সারা খোল দেতি হ্যায়। অর আপ মে সে কিসি নে মুঝে পুছা তা কি ইয়ে জো है ये किसका पेड़ है? तो ये हम लोग पलाश बोलते हैं, पलाश फूल, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में पलाश ही बोलते होंगे। ये बहुत ही प्रिटी होता है, बहुत सुंदर होता है और इसी टाइम पे ही जनरली ये फ्लावर जो है वो आता है। हमने जब न्यू ईयर पिकनिक में गए थे हम लोग और हम लोगों ने दम आलू बनाया था, तो आप लोगों ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया था कि मनोशिता कैसे दम आलू बनाते हो, प्लीज़ दिखाना दिखाना। मम्मी आज बना रही है, इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाए। दम आलू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 3 बड़े टमाटर और इतना सा अदरक और यहाँ पे है 3 मीडियम साइज़ का अनियन और आलू, मैं 1 केजी आलू का बनाऊंगी और ये छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पटेटो हैं और इस पटेटो को पहले मैंने थोड़ा सा फ्रेशली धो के पानी से प्रेशर कुकर में बॉईल करके इसका जो छिलका है वो निकाल के फेंक दिया है। यू कैन सी ये प्रॉपरली बॉयल्ड है। तो अभी मैं मसाले तैयार करूँगी पटेटो के लिए। सारे चीज़ों को मैं एक साथ ब्लेंडर जार में डाल दूँगी। दम आलू के लिए पहले थोड़ा सा ज़्यादा करके ऑयल डालना पड़ेगा क्योंकि आलू जो है वो करीब 1 केजी के है। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है तो अभी जो मसाला हमने पीसा मिक्सी में वो डाल देंगे। मसाला डालने के 1 मिनट बाद ही अब डाल दीजिए जो स्पाइसेस डालना है, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 2 चम्मच के करीब जीरा पाउडर। एक्चुअली आलू जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है तो 1 केजी के हिसाब से मैं बोल रही हूँ। और लाल मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार डालिए कितना तीखा खाएंगे, और हल्दी पाउडर भी डालना है बाद में। मसाला जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गया है। 5 से 7 मिनट लगता है मसाले को भूनने में। देखिए ऑयल सेपरेट हो रहा है तो इस टाइम पे आप डाल दीजिए हल्दी। इधर पे करीब 1 चम्मच के करीब मैंने हल्दी डाला है। तो अभी नमक डाला जा रहा है और थोड़ा सा चीनी भी डालना है। तो हमने खूब सारा दम आलू हमको बनाना है क्योंकि एक्चुअली हम लोगों को किसी को देना है इसीलिए, और रात को भी हम लोगों का हो जाएगा। मेरे हस्बैंड को भी ये बहुत पसंद है तो खूब सारा दम आलू बना रहे हैं। चीनी भी करीब 1 से 1.5 चम्मच डालना है।
सो नमक और चीनी दे के फिर से एक मिनट भूनने के बाद पोटैटो सारे जो है वो डाल देंगे, ऑफ कोर्स बॉइल्ड पोटैटो। आप चाहे तो पोटैटो को फ्राई भी करके डाल सकते हो, पर फ्राई करने पे वो और ज़्यादा मतलब ऑयल लेगा और थोड़ा सा और अनहेल्दी बनेगा, तो हम फ्राई नहीं करते हैं। इस तरह से बनाने में भी बहुत ही टेस्टी बनता है और पता ही नहीं चलता है कि ये फ्राइड नहीं है। और अभी अभी मैंने गरम मसाला कूटा है फ्रेशली, और मैंने बारीक बारीक रखा है, एकदम फाइनली मतलब इसका पाउडर नहीं बनाया है। इसमें चार लौंग हैं, इतना साइज का एक दालचीनी है और छह ग्रीन इलायची, छोटी इलायची है। सो इसमें से हाफ जाएगा इसके अंदर दम आलू के अंदर, पर एंड में आलू दे के दो मिनट मम्मी ने भूना है। देन उसके बाद डाल रहे हैं पानी। पानी आप अपने अकॉर्डिंग डालिए, कितना आपको मतलब ग्रेवी चाहिए। पानी देके इसको बहुत अच्छे से उबालना है। और पानी में उबाल आए उससे पहले ही डाल देंगे थोड़ा सा हरे मटर, ये भी बॉइल्ड है। अगर ये बॉइल्ड नहीं है तो आप जब अनियन और टमाटर की जो पेस्ट डाल के भूनेंगे उसी टाइम पे डाल दीजिए, तो मटर जो है वो बॉयल हो जाता है। सो 5 मिनट हो गया है कि आलू उबल रहा है, तो इसके ऊपर से एक बड़े चम्मच डाल दिया है गरम मसाला, और डाल रहे हैं मम्मी एक चम्मच के करीब घी। तो आप में से 2-3 लोगों ने मुझे पूछा था कि ये घी का कलर ऐसा क्यों है। सो हम लोग बंगालीज लोग जो घी खाते हैं, जो ज़्यादातर मिठाई की दुकान में मिलता है, वह ऐसे ही होता है, पर इसका जो खुशबू एंड स्वाद होता है ना, वो जो खाता है उसी को पता रहता है। सो अभी और एक मिनट भून के इसको ऑफ कर देंगे, वो बहुत ही सूख जाएगा ग्रेवी, जितना आप देख रहे हो बाद में इतना नहीं रहेगा। मम्मी ना सारे चीज़ें को ऐसे धूप में दे देती है, मम्मी बोलती है कि इन सारी चीज़ों को धूप में देना चाहिए, नहीं तो ये जो है ये ख़राब हो जाता है। ये पिकल है, पिकल को धूप में देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मिक्सी वगैरह और ये जो होता है ना स्टील का, ये अगर थोड़ा सा आप धूप में नहीं दोगे तो इसमें जम आ जाता है कभी कभी। सो मैं जा रही हूँ खाना बनाने में, और आज मैंने सोचा है कि मैं आज फुल ऑफ ग्रीन 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 सब कुछ एकदम ग्रीन लंच बनाऊँगी। सो लंच में बनाऊंगी मैं पालक दाल, और बनेगा एक फिश, मेथी फिश। सो मेरा किचन बहुत मेसी बन चुका है इस टाइम पे। सो आई एम श्योर कि गाइस कि आप भी जब बहुत सारा खाना एक साथ बनाते हो तो ऐसा ही बन जाता है। सो यहाँ पे मैंने लिया है बोआल मास, इसको बोलते हैं बंगाली में, हिंदी में आई रियली डोंट नो। और आर माच एक बंगाली फिश होता है, वो भी इसी तरह से आप बना सकते हो जिस तरह से मैं इस फिश को बनाऊंगी आज। और इधर पे मैंने इसके लिए मसाला जो है वो चॉप करके रखा है। यहाँ पे मैंने इतना साइज़ का दो लिया था अनियन, और गार्लिक लिया है 5-6, और 2 लिया है बड़े साइज़ का टमाटर। और इन सारे चीज़ों को अभी मिक्सी में डाल के पीस लूँगी। सो दम आलू का मैंने बनाया था मसाला, मिक्सी को मैंने धोया नहीं है क्योंकि कुछ कुछ मसाला लगे हुए हैं। एक साथ भी मैं बना सकती थी दम आलू और फिश का मसाला, पर दम आलू में अदरक जाता है और फिश में लहसुन, ये उसमें नहीं जाता है, वो इसमें नहीं जाता है, इसीलिए एक साथ नहीं बना पाई। और इधर पे मैंने लिया है मेथी, इसको मैंने हाथ से थोड़ा बहुत चॉप कर लिया है, बहुत ज़्यादा चॉप नहीं करो, इसको धो के वॉश करके चॉप करके रखा है। और पहले फिश को फ्राई करूँगी, उसके बाद मसाला और मेथी जाएगा। और राइस मैंने इधर चढ़ा दिया है, और इधर पे मैंने बनाया है पालक दाल। सो ये बहुत ही टेस्टी, यम्मी एंड बहुत बहुत हेल्दी बनता है। सो पालक दाल मैं कैसे बनाती हूँ अगर आपको जानना है तो ऊपर इस लिंक पे क्लिक कीजिए, और तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, उधर डाल दूँगी। मैं विथ कॉर्न डाल के पालक की दाल बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनता है क्योंकि पालक के साथ कॉर्न जो है ना बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है।
पर अगर आपके पास कॉर्न नहीं है, इजिली अवेलेबल हर एक जगह पे तो होता नहीं है, सो आप विदाउट कॉर्न भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है आपको कॉर्न डालना ही पड़ेगा, विदाउट कॉर्न भी अच्छा बनता है। बस ये होने के बाद थोड़ा सा बटर जरूर ऐड कीजिए, बहुत हेल्दी होता है, रात को रोटी के साथ भी आप खा सकते हो, दिन में राइस के साथ भी खा सकते हो, ट्राई एक बार जरूर करना इसको गाइज। सो फिश बनाने के लिए पहले मस्टर्ड ऑयल में बनाऊंगी मैं फिश, सो थोड़ा सा ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल लगेगा क्योंकि फिश को हमें पहले फ्राई कर लेना है। सो थोड़ा सा नमक डाल दिया है मम्मी ने ताकि फिश जो है वो चिपके ना। तो ये फिश बहुत मतलब आता है ऑयल छीप के, तो थोड़ा सा सावधानी से इसको फ्राई करना पड़ता है। मम्मी ने बहुत अच्छे से सारे फिश को फ्राई कर दिया है। सो मैं बताना भूल गई थी, फिश के अंदर नमक और हल्दी लगा के रख दिया था, जैसे नॉर्मली नमक हल्दी लगा के फ्राई करते हैं ऐसे। और फिश में थोड़ा सा ऑयल मैंने निकाल के फेंक दिया है और बाकी ऑयल में मैं फ़िश करी बनाऊंगी। तो ऑयल अभी गर्म है, इसके अंदर मैं डाल दूँगी मसाले जो मैंने आपको दिखाया था। मसाले को मैंने 4 से 5 मिनट तक ऐसे भून लिया है, तो मसाले से जो है अभी ऑयल निकलना स्टार्ट हो रहा है, तो इस टाइम पे मैं इसके अंदर डाल दूंगी नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा सा डालूंगी मैं थोड़ा सा डालूंगी हल्दी पाउडर क्योंकि इस ऑयल में ऑलरेडी हल्दी है, क्योंकि फिश को हल्दी लगा के मैंने मम्मी ने फ्राई किया था। और थोड़ा ज़्यादा करके डालना है लाल मिर्च पाउडर क्योंकि ये वाला फिश थोड़ा सा तीखा बनता है। सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और 1 से 2 मिनट अच्छे से फ्राई करना है। सो मसाला जो है वो प्रॉपरली फ्राई हो गया है, तो इसके अंदर अभी जाएगा मेथी। ये फिश करी मुझे बहुत पसंद है और मम्मी ये बहुत सुंदर से बनाती है, तो थोड़ा थोड़ा करके मेथी को डालना है, एक बारी में नहीं डालना है। एक बंच मेथी लिया है इधर पे मैंने, पूरा ही डाल दूंगी क्योंकि फिश भी काफी सारा है। सो मेथी कड़वा होता है, तो इसके अंदर थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा दही मतलब खटास डालना जरूरी है, तो थोड़ा सा दही भी डाल देंगे। सो मेथी डालने के बाद 3 से 4 मिनट आपको इसको छोड़ देना है और थोड़ा सा कुक करते रहना है। इससे क्या होगा, मेथी जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा, और मेथी सॉफ्ट हो गया है इधर पे, और मसाला तो मेरा ऑलरेडी कुक हो चुका था, तो इसके अंदर मैं डालूंगी पानी, और पानी में जब उबाल आएगा तो मैं डाल दूंगी फिश को। ये थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा ग्रेवी में बनता है। सो पानी में उबाल आ गया है, तो फ्रेशली कुटा हुआ गरम मसाला जो मैंने अभी अभी बनाया आपके साथ शेयर किया, दम आलू में डाला था, वो डाल दूंगी, और ये थोड़ा सा मैं मिला लूंगी। आटे घी रहेगा ना, नेक्स्ट मैं एक एक करके फिश डाल दूंगी। ये जो फिश है ना वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो ये डालने के बाद इसको हिलाने की कोशिश मत कीजिए, ये टूट सकता है। सो इस तरह से आप 1 मिनट 1.5 मिनट तक बस जस्ट बॉयल कीजिए, बस इससे क्या होगा फिश के अंदर जो है वो ग्रेवी चला जाएगा और फिश जो है वो ग्रेवी सोक कर लेगा।
सो आप चाहे तो और भी सूखा बना सकते हो, वो ज़्यादा टेस्टी बनता है, पर मेरे हस्बैंड को थोड़ा बहुत ग्रेवी चाहिए होता है, तो एकदम सूखा हम इसीलिए नहीं बना सकते। सो माई मेथी फिश इज़ रेडी। ये बहुत टेस्टी बनता है और हेल्दी भी होता है ना, क्योंकि मेथी रहता है इसके अंदर। सो विंटर में ना धूप में खड़े होने का एक अलग ही मज़ा आता है, धूप सेकने का अच्छा लगता है ना बहुत। आप लोग करते हो क्या ऐसा? नहाने से पहले मैं थोड़ा सा आती हूँ बालकनी में, ऐसे धूप में खड़ी रहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। कपड़े के साथ साथ मैं भी सूख जाती हूँ। सूखे नहीं है, मैंने मतलब मेरे बालों में पानी नहीं डालती हूँ ठंड में, मतलब मैं अल्टरनेटिव डे पे शैम्पू लगाती हूँ, तो कल किया था, फिर परसों करूँगी, आज नहीं करना है। तो शाम ऊपर के बालों में थोड़ा बहुत पानी छिड़क देती हूँ, पूरे बालों में नहीं डालती हूँ, उससे मुझे बहुत ठंड लगती है और ठंडी लग जाती है। कितना यम्मी लंच बना था गाइज, मैं आपको क्या बताऊँ। सो आपको भी यम्मी लगा ना तो इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं फिर मिलूँगी, बाय बाय, गुड आफ्टरनून। वीडियो तो आफ्टरनून में जाता है ना, सो गुड आफ्टरनून एंड बाय।